दुलेड़ा गांव के एक व्यक्ति ने शादी के लिए चीड़ के दो पेड़ों को काटने के मामले में वन विभाग की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। जगन्नाथ गांव दुलेड़ा ने वन विभाग पर आरोप लगाया है कि चीड़ के पेड़ों के एवज में विभागीय कर्मचारियों ने 30,000 रूपए की मांग की। जगन्नाथ ने बताया कि गरीब परिवार से संबंध रखता हूं और बिना वजह से वन विभाग के कर्मी परेशान कर रहे हैं। वन विभाग की डीएफओ प्रीति भंडारी ने कहा कि व्यक्ति के द्वारा लगाए गए आरोपों की भी जांच विभाग करवा रहा है और विभागीय कर्मचारी छानबीन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में वन विभाग द्वारा निष्पक्षता से काम किया जा रहा है। आया था जिसमें हमने अपने रेंज ऑफिसर को इसकी इंक्वायरी करने के लिए दिया था, तो रेंज ऑफिसर ने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो क्लियर नहीं है, तो दोबारा से उन पॉइंट्स को रेज करते हुए हमने रेंज ऑफिसर नदौन को इसकी दोबारा से इंक्वायरी करने के लिए दिया हुआ है। तो उसमें जो भी है, जैसे ही फाइनल रिपोर्ट हमारे सामने आती है तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। जो वहां पे उस बंदे से जुर्माना मांगा गया था लगभग 30,000 का, वो जो पेड़ था, जो बंदे ने कन्फेस भी किया हुआ है कि मैंने वो पेड़ वहां से जंगल से काटा और उठाया था, उसकी वैल्यू थी। वो जब भी कोई डैमेज करता है किसी तरह का, जो भी कंपनसेशन होता है प्लस जो मार्केट वैल्यू होती है उस पेड़ की, वो हम एज ए मुआवजा जो होता है, जो कल्प्रिट होता है, जो एक्यूज बंदा होता है, उससे हम लेते हैं। तो जो 30,000 लगभग 30,000 के करीब उस पेड़ का जुर्माना बनता था, जो वहां पे फॉरेस्ट गार्ड ने उससे उस वक्त डिमांड, ये एक तरह का एलिगेशन है, बंदे ने स्टेटमेंट दिया है, उसका स्टेटमेंट किस हद तक सत्य है इसके ऊपर अभी कोई कमेंट किया नहीं जा सकता, बट स्टिल इस मामले की भी जांच जो है मैं करवा रही हूँ। फिलहाल अभी जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में मेरे सामने आया है, वो जो पैसे की बात बीच में आई है, वो एक्चुअल में उस पेड़ का कंपनसेशन अमाउंट था प्लस उसका मार्केट वैल्यू, जो कि डैमेज रिपोर्ट उस बंदे के नाम काटी गई थी, ये वही अमाउंट था इंस्टेड ऑफ कोई अलग पैसे की बात, जो अभी तक मेरे ध्यान में नहीं आई है।